जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है द मिडनाइट गेस्ट। क्या कोई ऐसा सच भी है जो पहले से ही हर ओर विद्यमान है और वो सच किसी काले अंधेरे कमरे सा लगता है जिसमें जाने भर के ख्याल से लोगों की रूह कांप उठती है। यूरोप के एक टाउन में ये बात मशहूर थी, अगर देर रात कोई आपके दरवाजे पर आ जाता है और रुकने की इजाजत मांगता है तो आंखें बंद कर लेनी है और अपनी जीप को ऊपर की तरफ मोड़कर दो शब्द कहने हैं, घर में जगह नहीं है। उस गेस्ट को लोग मिडनाइट गेस्ट बोलते थे और उनका मानना था वो रात के 2 बजे ही घरों के बाहर देखा जाता है, खास तौर पर तब जब चांद अपनी चांदनी का छिड़काव हर ओर कर देता है। टाउन पहाड़ों से घिरा था और अपने मजेदार मौसम के कारण अक्सर लोग यहां ठहरने आ जाते थे। पूर्वी आशो और अमित इस टाउन की बढ़ती लोकप्रियता को देख एक पुराने से बुटीक होटल को देखने आए थे। उनका मानना था अगर उन्होंने इस उजड़े से होटल को फिर से बेहतर बना दिया तो एक अच्छा बिजनेस इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तुम्हें पता है ये जगह मौसम के साथ साथ किस बात के लिए जानी जाती है? पूर्वी ने उस पुराने होटल की लॉबी में खड़े खड़े ही अपनी बात कह दी। हां, यहां कुछ हॉन्टेड स्पॉट्स भी हैं, लोग तो दिन में अक्सर वहां घूमने जाते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं ये जगह कुछ ही सालों में और पॉपुलर हो जाएगी। हमें बिना देरी के ये जगह ले लेनी चाहिए और रेनोवेशन करा के तुरंत लॉन्च भी कर देनी चाहिए। आशु हर दीवार को करीबी से देखे जा रहा था। सुना है ये जगह विश्व युद्ध 2 के दौरान सबसे ज्यादा बर्बाद हुई थी, यहीं दूसरे देशों के सिपाहियों को बंदी बना के रखा भी गया था और उनको प्रताड़ना भी दी जाती थी, क्या ये सच है? अमित ने सामने खड़े रियल एस्टेट एजेंट से पूछा। जी सर, सामने टापू पर आज भी वो डार्क होल है जहां उनको अंधेरे में रखा जाता था, आप जाकर देख सकते हैं, एजेंट आगे कुछ बोलता। तो ठीक है, हम ये जगह ले रहे हैं, आप पेपर्स रेडी करवाइए, हमारा प्लान है ठीक 3 महीने बाद हम इसे लॉन्च कर देंगे। आशु के चेहरे पर मुस्कान थी। 3 महीने बीते और वो दिन आ गया। पूर्वी फ्रंट लॉबी में बैठी खुद से ही बातें कर रही थी। वाह, अंदर से तो ये बहुत ही खास है, होटल लोगों को जरूर पसंद आएगा। 15 दिन लगेंगे स्टाफ को ज्वाइन करने में, तब तक क्या करें, इस सीजन की पहली बर्फ कल से शुरू हो जाएगी और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ेगा, हम अगर देरी करेंगे तो इस समय का फायदा हमारे हाथ से निकल जाएगा। आशु परेशान था। अरे कुछ दिन की तो बात है, हम तीनों संभाल लेंगे, मैंने 3 पार्ट टाइम लड़के बुला लिए हैं जो दिन में हमारी मदद कर देंगे, और वैसे भी रात को यहां गेस्ट बाहर नहीं जाते। अमित ने उन दोनों को राहत की खबर दी। अगले दिन से होटल लोगों के लिए खोल दिया गया, पर बर्फ इतनी पड़ी कि रास्ते जाम हो गए और पूरा शहर बर्फ से ढक गया। होटल में भी बस एक ही गेस्ट पहुंच पाया। हालांकि पूर्वी, आशु और अमित खुश थे कि शुरुआत तो हुई। अंधेरा फिर से टाउन को वीरान कर चला था। बर्फ की चादर ओढ़े घर मानो फिर से प्रहरी बन तैनात हो गए थे। हर ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। सुनो, वो लड़के कह रहे थे कि यहां बीच रात कोई गेस्ट आए तो मना कर देना, ऐसा क्यों? पूर्वी रिसेप्शन की चेयर पर बैठी हैरान थी। हां, सुना तो मैंने भी है,
कि कोई है जो रात को रुकने के लिए आ जाता है, पर लोग उससे डरते हैं। आशु को भी यह बात गले नहीं उतर रही थी। अरे पर हम तो होटल हैं, हमारा काम ही है लोगों को जगह देना, और ऐसी अफवाहों के चलते हम हमारा नाम मार्केट में खराब नहीं कर सकते। अमित मानो इन बातों पर यकीन करने को तैयार ही न था। तभी जो गेस्ट होटल में रुके थे वो नीचे आ गए। उनको देख तीनों चुप हो गए। हेलो, हाउ कैन वी हेल्प यू? पूर्वी ने दबी आंखों से पूछा। एक्चुअली हम 3 साल से यहां आ रहे हैं और हमारी रिक्वेस्ट है, हमें एक लैंप या कैंडल दे दीजिए। पति पत्नी दोनों सामने खड़े थे। पर यहां तो लाइट है और बैकअप भी है। फिर आशु कुछ बोलता, हमने पहले भी महसूस किया है, कभी कभी यहां लाइट चली जाती है और बैकअप भी नहीं चलता। गेस्ट की बात सुन अमित ने कैंडल दे दी। वो दोनों गेस्ट कैंडल ले ऊपर चले गए। ये क्या था? आशु हैरान था। खैर चलो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। अरे पर रिसेप्शन पर किसी का होना जरूरी है, मैं रुक जाती हूं, पूर्वी ने जोर दिया। ठीक है, मैं भी सामने सोफे पर लेट जाता हूं। अमित सोफे पर बैठ गया। तो ठीक है, मैं भी यहीं लॉबी में बैठ जाता हूं, जब नींद आएगी तो अपने रूम में चला जाऊंगा, आशु बोल बैठा। थोड़ी ही देर बाद तीनों नींद से दोस्ती कर बैठे। पर लगभग रात 2 बजे एक आहट सुन पूर्वी की आंख खुल गई। सामने एक व्यक्ति खड़ा था, सिपाही की ड्रेस में। उसके हाथ में एक भूरे रंग का कारपेट था और कंधे पर पुराने जमाने का एक बैग लटका था। उसकी आंखें बड़ी थी और हाथ घुटनों तक आ रहे थे। पूर्वी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, मानो उस व्यक्ति को देख वो अंदर तक हिल गई हो। उसने हिम्मत जुटा उससे पूछा, जी बताएं। पूर्वी की आवाज सुन अमित और आशु भी उठ गए। जी मुझे रुकने के लिए एक कमरा चाहिए था। अमित हैरानी में पूर्वी के नजदीक आ गया। आशु ने तुरंत अपनी घड़ी की ओर देखा। इतनी रात, वो भी बर्फबारी के बीच। अगर ये व्यक्ति आया तो कैसे आया? वो तेज कदमों से अमित और पूर्वी की ओर बढ़ गया। ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, कहीं कहीं ये वही तो नहीं? मध्य रात्रि भी हो चुकी है। अरे चुप रहो यार, किन ढकोसलों की बात कर रहे हो? पढ़े लिखे हो वैसे ही बात करो, अमित ने उसे चुप करा दिया। लेकिन इसे देखो तो कुछ अजीब बात है इसमें, पूर्वी कुछ बोलती अमित ने उस व्यक्ति को हां बोल दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हम बस खुले ही हैं तो आपको हम एग्जीक्यूटिव ग्रैंड रूम दे देंगे, वो भी बस बेस प्राइस पे। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, उसकी आंखें मानो सूनी सी थी। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसने चाबी ले ली और रूम की ओर बढ़ गया। जाते वक्त उसको पीछे से देख पूर्वी की दबी सी चीख निकल गई। उस व्यक्ति की शर्ट पीछे से कटी फटी थी और खून से लथपथ थी। अमित और आशु भी ये देख खौफ में पड़ गए। पर उन तीनों की डर की रात तब शुरू हुई जब उस व्यक्ति के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी वो रोने लगता तो कभी जोर जोर से हंसने लगता, कभी वो दीवारों पर वार करने लगता, कभी एकदम से चुप हो जाता। अचानक उस होटल की लाइट चली गई। आशु ने जनरेटर ऑन करने की कोशिश की पर वो चिंगारी फेंक बंद पड़ गया। बर्फबारी भी तेज हो चली थी। पूर्वी ने कैंडल जलाया तो जोर से चीख पड़ी। सामने ऊपर सीढ़ियों पर वही व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक डंडा था जिस पर कई कीले लगी हुई थी। उस डंडे से खून टपक कर नीचे गिर रहा था। अमित और आशु को कुछ समझ नहीं आया। अचानक वो व्यक्ति अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगा, मानो वो कह रहा हो,
किल द एनिमीज। वो सीधे उस कमरे की ओर बढ़ गया जहां गेस्ट रुके थे और उनके दरवाजे पर तेज वार करने लगा। अंदर से उन गेस्ट के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी जा सकती थी। क्या करें, बाहर से किसी की मदद मांगे? आशु ने हिम्मत जुटाकर बोला। वो बाहर का दरवाजा लेता ऊपर से कांच को तोड़ते हुए एक गेस्ट नीचे गिर पड़ा। वो बस इतना ही बोल पाया, हेल्प। वो बुरी तरह से पीटा गया था। तभी सीढ़ियों से लुढ़कती दूसरी लाश भी नीचे आ गिरी। तीनों ने बाहर दौड़ने की कोशिश की पर दरवाजे लॉक हो गए। अब तीनों सांसें रोके रिसेप्शन के पास दुबक कर बैठ गए। वो व्यक्ति सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वो डंडे पर लगे खून से दीवार पर एक निशान बनाता जा रहा था। शायद वो निशान किसी सेना का था। अगर हम ऐसे बैठे रहे तो वो हमें भी मार डालेगा। हमें कुछ करना होगा, अमित ने धीमी आवाज में कहा। पर क्या, ये कोई साधारण आदमी नहीं लगता, आशु की आवाज कांप रही थी। मैंने कहा था इसको यहां रुकने मत दो, टाउन के लोगों की बात सच थी, ये कोई आत्मा है और अब हम भी मारे जाएंगे, पूर्वी रोने लगी। तब अमित हवा में खिंचता हुआ सीढ़ियों के पास पहुंच गया। वो व्यक्ति बिना रुके उस पर वार करने लगा। आशु ने पीछे से उस पर प्रहार किया पर उस व्यक्ति को कोई असर ही नहीं हुआ, बल्कि उसका चेहरा देख आशु की आंखें फटी की फटी रह गई। वो व्यक्ति किसी दैत्य से कम नहीं लग रहा था। पूर्वी ने सामने लगी कुर्सी से खिड़की का कांच तोड़ दिया और वहां से बाहर कूद गई। वो जोर जोर से चीखते हुए रोड पर दौड़ने लगी। उसकी चीख सुन लोग अपने घरों से बाहर आ गए पर किसी की भी हिम्मत ना हुई कि होटल के करीब जा सके। लोगों ने पूर्वी को संभाला। कुछ ही देर बाद लोग देख सकते थे एक सिपाही बर्फबारी के बीच खड़ा था और अंधेरे से उनकी ओर देख रहा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और वो लंगड़ाता हुआ एक ओर बढ़ गया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, कुछ लोग तो पीले पड़ गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो अमित मर चुका था जबकि आशु अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पूर्वी लगभग 6 महीने तक सदमे में रही। कहा जाता है 1945 के आसपास जब विश्व युद्ध 2 समाप्ति की ओर बढ़ा तो एक सिपाही जो महीनों से कैदी था फरार हो गया। टाउन के एक व्यक्ति ने उसे पनाह दी पर धोखे से उसे मिलिट्री को वापस दे दिया। वापस पकड़े जाने के बाद उसे एक डंडे से बेरहमी से मार दिया गया। वो कहता रहा, योर ऑल एनिमीज किल द एनिमीज। तब से उसकी आत्मा इस टाउन में हर रात पनाह मांगती है और जो भी उसे पनाह देता है उसे वो मार डालता है। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।